चलिए कुछ अच्छा बनाते हैं, कुछ डिफरेंट बनाते हैं। आज हम बनाएंगे कैबेज महारानी, पत्ता गोभी रॉयल रेसिपी, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, हेल्दी टेस्टी एंड डिलीशियस रेसिपी। बहुत ही यम्मी बनने वाला है ये रेसिपी, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट टेस्ट, बिल्कुल रॉयल रिच रेसिपी बनाने वाले हैं हम। पत्ता गोभी महारानी, नाम से ही मुंह में पानी आ रहा है ना, तो चलिए बनाते हैं जल्दी से ये यमी टेस्टी डिलीशियस रेसिपी। पत्ता गोभी के साथ करते हैं कुछ जादू, कुछ इनोवेटिव क्रिएशन, बहुत ही टेस्टी रॉयल कैबेज आज हम बनाने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में, टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम शेयर करेंगे आपको ये अमेजिंग टेस्टी डिलीशियस रेसिपी। तो बनाएंगे ना, और बनाकर सर्व कीजिए रोटी और राइस के साथ। आई लव इट, बहुत यमी है, बहुत ही डिलीशियस है ये रेसिपी, क्रीमी यमी। तो चले बनाते हैं ये रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। मैजिक किचन आपके लिए लाता है हमेशा डिलीशियस रेसिपीज। तो डिलीशियस रेसिपी के लिए बने रहे मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ, बनाते रहिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपीज। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल, बेल आइकन डेफिनेटली प्रेस कीजिएगा, और अच्छी अच्छी रेसिपी देखना है तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चले फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कौन सी रेसिपी लाए हैं, चले बनाते हैं आज की अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। सबसे पहले बनाते हैं रॉयल नटी बैटर। तो इसके लिए हमने यहाँ लिया है काजू, तो ये 15 से 20 हमने लिए हैं काजू। रॉयल रेसिपी है तो रॉयल इंग्रेडिएंट बहुत जरूरी है। यहाँ हमने लिया है 15 से 20 आलमंड, देखिए 15 से 20 आलमंड है यानी बादाम। तो काजू और बादाम हमने ले लिए हैं 15 से 20, और यहाँ पे हमने लिए हैं 30 ग्राम पॉपी सीड्स यानी पोस्तो खसखस। ये एक अलग ही टेस्ट लाता है रेसिपी के अंदर। और साथ में यहाँ लिया है हमने ड्राई कोकोनट यानी गोला, तो ये भी हमने तकरीबन 50 ग्राम लिया है ड्राई कोकोनट। यहाँ हमने 20 ग्राम लिया है चिरौंजी, इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है, हल्का सा मिठास ये होता है, बहुत ही टेस्टी बना देता है ग्रेवी को। तो 20 ग्राम हमने लिया है चिरौंजी, यदि चिरौंजी नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह मखाने भी ले सकते हैं। तो ये है मेन इंग्रेडिएंट जो कि रिच जो बैटर है हमारा बनाने में मदद करता है। तो चलिए सबसे पहले हम हाई हीट पे वॉक को गरम कर लेते हैं, और जैसे ही कढ़ाई अच्छे से गरम हो जाए हीट को कर देंगे लो, बिल्कुल लो करेंगे, यानी हमने कढ़ाई को प्री हीट करना है। तो कढ़ाई को हमने प्री हीट कर लिया, अब ऐड कर देते हैं इसमें बादाम, ऐड कर देंगे कोकोनट, ड्राई कोकोनट, ऐड कर देंगे काजू, ऐड कर देंगे चिरौंजी, और ऐड कर देंगे खसखस यानी पॉपी सीड्स। अब इन सारे इंग्रेडिएंट को 3 से 4 मिनट हमें ड्राई रोस्ट करना है लो हीट पे। ध्यान रखें इनको हमें लो हीट पे ही ड्राई रोस्ट करना है, हीट को हाई नहीं करना, जस्ट इसमें जो मॉइस्चर है वो निकल जाए, हल्का सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इसको ड्राई कर लेते हैं, इससे क्या होगा कि इसको ग्राइंड करने में आसानी होगी और एक हल्की सी खुशबू भी होगी। नट्स को ड्राई रोस्ट करने से इसमें मॉइस्चर चला जाता है, सेकेंडली भुने हुए
जो नट्स होते हैं उसकी खुशबू ही अलग होती है। तो बहुत ज्यादा नहीं भुनना है, ये देखिए बस जस्ट 3 से 4 मिनट भून लीजिए, इतना ही काफी है। उसके बाद इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करके इसको ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल पाउडरी करेंगे, और उसके बाद बनाएंगे इससे पेस्ट। तो चलिए इसको अच्छे से भून लेते हैं 3 से 4 मिनट। तो 3-4 मिनट अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं, तो अब इसे हम ठंडा करेंगे और ठंडा करके इसको हम ग्राइंड करेंगे। चलिए निकाल लेते हैं इसको जार में, और उसके बाद इसको करेंगे ठंडा और फिर करेंगे ग्राइंड। ये जो मसाला है ना, इससे एक अच्छा रॉयल टेस्ट आ जाता है। आप कोई भी रेसिपी बना रहे हैं, रॉयल रेसिपी बना रहे हैं, उसमें इस इंग्रेडिएंट को जरूर यूज कीजिए। स्पेशली जब आप दम वाली रेसिपीज बना रहे हैं उसमें जरूर यूज करें। चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए सूखा सूखा पहले ग्राइंड कर लेना है। तो ये सूखा सूखा अच्छे से पिस गया है। अब इसमें ऐड करेंगे पानी, और पानी ऐड करने के बाद इसका हम बनाएंगे पेस्ट। तो यहाँ पे 1/3 हम पानी ऐड कर रहे हैं। तो देखिए अभी भी ड्राई है ये, 1/3 और ऐड कर देते हैं। अब इसको हमें ग्राइंड करना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। तो चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेते हैं। और ये देखिए फाइन पेस्ट बनकर रेडी है, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी ये पेस्ट बनकर रेडी है। देख सकते हैं आप टेक्सचर, बिल्कुल इस तरह का हमें चाहिए। जब भी कोई आप रॉयल रेसिपी बना रहे हैं तो जरूर इसको यूज करिए, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग बना देता है ये टेस्ट। चाहे आप बना रहे हैं मटन चिकन, या फिर आप बना रहे हैं पनीर, या कोई और रेसिपी, जो रॉयल रेसिपी आप बना रहे हैं उसमें जरूर इस पेस्ट को यूज कीजिए। ये रॉयल बैटर है जो कि आपके ग्रेवी को बनाते हैं, आपके करी को बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी। तो ये अमेजिंग टेस्टी डिलीशियस रेसिपी जरूर बनाइएगा, और हमें बताइएगा कि आपकी रेसिपी में भी जादू आया कि नहीं। तो देखिए पेस्ट हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है, बहुत क्रीमी है। चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया एक पत्ता गोभी, मीडियम साइज का पत्ता गोभी लिया है, और इस तरह की पतली पतली फांके काटनी है। ऊपर के पत्ते हमने निकाल दिए, उसके बाद इसको धागे से हमने बांध दिया है। आप देख सकते हैं धागा लपेटा है, इससे ये खुलेगा नहीं। और यहाँ पे हमने टोमेटो पेस्ट बनाया, 4 टोमेटो की प्यूरी बनाई है, 4 बड़े साइज के टोमेटो लेकर उसकी प्यूरी बना ली है, स्किन निकाल दिया। तो ये पेस्ट हमारा रेडी है, टोमेटो भी रेडी है, टोमेटो प्यूरी रेडी है। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन। तो ये रॉयल पेस्ट हमारा रेडी है, देखिए कैबेज भी रेडी है, हमने अच्छे से धागे से बांध दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन। यहाँ पे हमने 1 कप लिया है बेसन, 1/4 हम लेते हैं हींग, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ड्राई कसूरी मेथी, ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और ऐड करेंगे 1/2 लेमन का जूस। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। हमें बनाना है एक थिक बैटर, जैसे पकोड़े वाले बैटर होते हैं ना थिक, वैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इससे प्रिपेयर कर लेंगे एक थिक बैटर। लम्स नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए इस तरह का थिक बैटर रेडी हो गया है, किसी तरह के सोडा वगैरह की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस है। अब ये जो हमने कैबेज को धागे से बांधा था, पतले पतले, ध्यान रखिएगा बहुत पतले आपको फांके काटनी है, इस तरह से इसको लपेट देंगे और इसको करेंगे ऑयल में फ्राई। तो यहाँ हमने ऑयल गरम कर लिया है, ऑयल अच्छे से गरम हो तो ऐड कर दीजिए ये फांके, और इसको करेंगे फ्राई, लेकिन फ्राई करेंगे लो हीट पे, बिल्कुल लो हीट रखना है, लो हीट पे इसे अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई करना है। ध्यान रखिए पत्ता गोभी जो है वो फ्राई होने में थोड़ा वक्त लगता है, और जो बेसन की कोटिंग है बहुत पतली लेयर हमने लगाई है, तो इसलिए इसको फ्राई करने के लिए हमें लो हीट पे धीमे धीमे इसको फ्राई करना है। और एक तरफ फ्राई हो जाए तो टर्न करके दूसरी तरफ भी फ्राई करेंगे, नहीं प्रॉपरली इसको फ्राई करना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इसको लो हीट पे ही फ्राई करें, ताकि पत्ता गोभी के हर लेयर जो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो चलिए इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत अच्छे से फ्राई हो गए, इसी तरह सारे फ्राई कर लेंगे हम।
ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। देखिए कितने अमेजिंग क्रिस्पी क्रिस्पी ये पत्ता गोभी बनकर रेडी है। इसी तरह से हम नेक्स्ट बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो ये बैच हमारा फ्राई हो चुका है, तो इसको हम जाली पे निकालेंगे, स्ट्रेनर पे निकालेंगे, ताकि ऑयल जो है वो अच्छे से स्ट्रेन हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट बैच भी हम अपना प्रिपेयर कर लेंगे। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इसको हम निकाल देंगे जाली में। बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई करना है, तो इसलिए फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखें। लो हीट पे रखते हुए देखिए एकदम क्रिस्पी गोल्डन करके इसको अच्छे से निकाल लेंगे, और इसको स्ट्रेनर पे निकालेंगे ताकि ऑयल अच्छे से स्ट्रेन हो जाए। तो सारी पत्ता गोभी हमने फ्राई कर ली है। अब करते हैं करी की तैयारी। पत्ता गोभी हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे ऑयल कुछ ज्यादा है, तो हम उसको निकाल देते हैं। हमें सिर्फ 1 कप ऑयल चाहिए, तो बाकी का ऑयल हम निकाल देंगे। सिर्फ 1 कप ऑयल चाहिए, बाकी का हमने निकाल दिया है। आप करते हैं करी की तैयारी। ऐड कर देंगे 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे, फिर ऐड करेंगे बाकी के मसाले। ऐड कर देते हैं 1/4 टीस्पून हींग, क्योंकि हम विदाउट ऑनियन गार्लिक बना रहे हैं। ऐड करेंगे 2 ड्राई रेड चिली, 1 ब्लैक कार्डमम, 2 ग्रीन कार्डमम यानी बड़ी इलायची और हरी इलायची दोनों ऐड कर दी हमने। ऐड करेंगे 7 से 8 क्लोव और ब्लैक पेपरकॉर्न। ऐड करेंगे 2-3 वे लीव्स यानी तेज पत्ता। खड़े मसाले ऐड करने के बाद ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी। ध्यान रखें कि 4 टोमेटो से बनी हुई प्यूरी है, तो ये सफिशियंट होगा हमारी ग्रेवी के लिए। अब टोमेटो ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चला दें, फ्लेम को रखेंगे लो। लो हीट पे हमें टोमेटो को अच्छे से पकाना है। देखिए अच्छे से पकाएंगे टोमेटो को, और इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट, क्योंकि टोमेटो पकने के लिए सॉल्ट की जरूरत होती है, तो हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इसमें बाकी के मसाले भी ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा मसालों की जरूरत नहीं होती है इसमें, कुछ एक मसालों की जरूरत होती है सिंपली। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून, ये भी आप स्वादानुसार ऐड करें, यदि तीखा कम पसंद करते हैं तो कम ऐड करें। ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया। ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, से कलर बहुत अच्छा आता है। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून भुना मसाला। इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे हम। अच्छे से इसको चला देंगे, और आप धीमी आंच पे इसको भुनना है, तब तक जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। बिल्कुल धीमी आंच पे भुनना है, बड़े प्यार से भुनना है। मसाले को जितने प्यार से आप भुनेंगे उतना ही टेस्टी बनेगी आपकी रेसिपी। तो बड़े प्यार से देखिए मसाले को भून रहे हैं। ऐड कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, ये भी आप अपने श्रद्धानुसार ऐड करें, जितना तीखा पसंद है उसके अकॉर्डिंग ऐड करें। ये तीखी वाली हरी मिर्च है। आप देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है, मसाला आप क्लोज से हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह का टेक्सचर हो जाता है जब ये अच्छे से भुनता है। बिल्कुल सुपर टेक्सचर है मसाले का, यानी अच्छे से पक गया है। जब ये मसाला अच्छे से पक जाए, तो यहाँ पे जो रॉयल हमने बनाया था पेस्ट, उसको 1 कप हम ऐड कर रहे हैं। 1 कप हमने रॉयल पेस्ट ऐड कर दिया है। अब उसी में पानी ऐड करके 1/2 कप हम पानी ऐड कर रहे हैं, उसी कप में हमने पानी ऐड कर दिया है। अब इसको हमें पकाना है। ध्यान रखें कि इसको चलाना है, क्योंकि इसमें काजू है तो वो चिपकता है, तो एक बार आप अच्छे से चलाएं तब तक जब तक उबाल नहीं आ जाता, अच्छे से बॉयल आ जाए, तो उसके बाद इसको पकने में कोई परेशानी नहीं होती, आराम से पकता है। देखिए अच्छे से चला देंगे, और ये देखिए बबल्स आ चुके हैं। फ्लेम लो है, लो हीट पे ही पकाना है। इस ग्रेवी को तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से ऑयल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ड्राई कसूरी मेथी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, और ग्रेवी में जान आ जाती है इस कसूरी मेथी से, क्योंकि
क्योंकि हम बना रहे विदाउट ऑनियन गार्लिक, तो वो सारे इंग्रेडिएंट जो इस ग्रेवी को टेस्टी बनाते हैं वो जरूर यूज करेंगे। ये देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है, बिल्कुल मसाला अच्छे से पक गया है, काजू वगैरह जो मसाला था वो अच्छे से पक रहा है। यही इम्पोर्टेंट होता है कि मसाला जलना नहीं चाहिए, अच्छे से ऑयल सेपरेट होना चाहिए। अब इसमें सब कुछ बैलेंस करने के लिए 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे शुगर, जो कि तीखेपन को और मसालों को बैलेंस कर देते हैं। जरूर ऐड कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा इसको। अच्छे से चला देंगे, ऑयल आप देख रहे हैं कि सेपरेट होने लगा है। मसाले को आपको धीमी आंच पे ही भुनना है, मसाले को कभी भी आपको हाई फ्लेम पे नहीं भुनना चाहिए। तो मसाले को बिल्कुल लो हीट पे बड़े प्यार से भुनेंगे तो उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा डेवलप होगा, बहुत अच्छी मिठास भी होगी और अरोमा भी बहुत अच्छा होगा। अब इसमें ऐड कर देते हैं हमारे फ्राई किए हुए पत्ता गोभी। ये देखिए फ्राई किए हुए कैबेज हम ऐड कर रहे हैं इसमें। अब ये पत्ता गोभी ऐड करने के बाद बहुत ज्यादा देर तक हमें फ्राई नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हमें फ्राई करना है, उससे ज्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है। यानी इस मसाले को बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाना है हमें, और इसमें बिल्कुल पानी ऐड करने की आवश्यकता नहीं। ये थिक होता है, गाढ़ी ग्रेवी होती है, इसको आप रिच ही रखें, इसमें पानी बिल्कुल ऐड ना करें। यदि ऐड ही करना चाहते हैं, थोड़ा पतला करना चाहते हैं, तो आप इसमें दूध या क्रीम ऐड कर सकते हैं। वैसे ये थिक ही अच्छी लगती है, तो आप इसको इसी तरह की क्रीमी क्रीमी बनाएं। देखिए कितना यमी बन के तैयार है कैबेज महारानी, पत्ता गोभी महारानी, रॉयल पत्ता गोभी, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, मजा ही आ जाएगा आपको इस रेसिपी का, बहुत ही अमेजिंग। हमने इसमें दूध या क्रीम ऐड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी बहुत रिच है। ये देखिए बन के रेडी है हमारी पत्ता गोभी महारानी। गर्मा गर्म इसे रोटी राइस के साथ सर्व कर देते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस है ये रेसिपी, बिल्कुल आपको पसंद आने वाला है, एकदम डिफरेंट है, नया है, तो जल्दी से बना डालिए इसे। गर्मा गर्म सर्व कीजिए रोटी और राइस के साथ में, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, इसी तरह का क्रीमी टेक्सचर में ये अच्छा लगता है। यदि आप थोड़ा सा इसे लिक्विड करना चाहते हैं तो इसमें दूध या क्रीम ऐड करें, पानी बिल्कुल ऐड ना करें। देखिए बिल्कुल रिच हमारी रेसिपी तैयार है, क्रीमी क्रीमी, इसको रोटी के साथ बहुत ही अमेजिंग लगता है, नान और पराठों के साथ में भी अमेजिंग होता है। गार्निश कर देंगे मिंट लीव और थोड़ा सा फ्रेश क्रीम से। तो लीजिए तैयार है हमारा यमी टेस्टी डिलीशियस पत्ता गोभी महारानी, बहुत टेस्टी, बिल्कुल रॉयल रेसिपी है और डिफरेंट है, सुपर टेस्टी है। ये रेसिपी जरूर बनाइएगा, पत्ता गोभी इस तरह से आप बनाएंगे तो डेफिनेटली सबको पसंद आएगा। जब आप इसको खाते हैं तो उस वक्त जो धागा हमने लपेटा था उस धागे को पहले निकाल दें, फिर इसका आनंद उठाएं। धागे को इसलिए बांधते हैं ताकि ये फ्राई करते वक्त खुले नहीं। तो बहुत ही टेस्टी अमेजिंग ये रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस है, ये आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला है। इतना टेस्टी है कि आप उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे, रियली बहुत ही अमेजिंग है। चलिए एंजॉय कीजिए आप रेसिपी और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो जल्दी से तैयार कर लीजिए, हम लाएंगे फिर आपके लिए नई रेसिपी। तो फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, जो लोग चुपके चुपके चले जाते हैं चुपके चुपके मत जाइए प्लीज, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। बने रहिएगा मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ और बनाते रहिएगा अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। मैजिक किचन, स्वाद का जादू, याद रखिएगा, फिर लाएंगे आपके लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। चले बनाते हैं और नए प्रोग्राम और लाते हैं और नई रेसिपीज आपके लिए। आपका प्यार यूं ही बरसता रहे मैजिक किचन ऑफ कृष्णा में, और बनाते रहें आप अच्छी अच्छी रेसिपीज और जगाते रहें स्वाद का जादू।